कोई भी कार्य विशेष करने के लिए देश विशेष की आवश्यकता होती है, उसी तरह से भगवान को पाने के लिए सबसे पहले देश का विचार किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी विशेष प्रकार की फैक्ट्री लगाना चाहता है तो देखेगा कि यहां से पानी की सुविधा है कि नहीं, हमको कारखाना के लिए पानी चाहिए और रॉ मटेरियल्स उसको कच्चा माल चाहिए और फिर सस्ता लेबर्स चाहिए, मजदूर चाहिए, माल तैयार हो जाए तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए सुविधा चाहिए, फिर उसके लिए वो मार्केट चाहिए, कई तरह का विचार करेगा तब फैक्ट्री बैठाएगा। तो उस देश पर विचार किया जाता है, स्थान पर, कि यह स्थान हमारे कल कारखाना के लिए उचित है कि नहीं। वैसे जगह पर जब सब तरह से सुविधा होगी तो बैठाना चाहेगा तो उसे लाभ मिलेगा, उसे श्रेय प्राप्त होगा। श्रेय मतलब अर्थ उसके लिए। इसी तरह से जो व्यक्ति भगवान को पाना चाहता है तो उसके लिए शास्त्र या संत विचार करते हैं कि किस स्थान पर वह भजन करे जहां पर उसका भजन, उसके द्वारा की गई भक्ति सद्यो फलदायक हो सकती है, थोड़ा भी किया जाए तो महान फल की प्राप्ति करा सकती है भक्ति। क्या कोई ऐसा स्थान है? तो इस संसार में अनेक स्थान हैं जहां पर भगवान की भक्ति कई गुना फलवती होती है। जैसे इस भूमंडल पर सबसे पावन क्षेत्र है, सबसे महत्वपूर्ण ब्रज क्षेत्र, जहां भगवान जन्म लिए और लीला किया उन्होंने, सबसे महत्वपूर्ण। और श्री नवदीप धाम, मायापुर धाम, जहां भगवान आज से लगभग 500 वर्ष प्रकट हुए और उस भूमि को भगवान ने धन्य किया अपने आविर्भाव से चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और वहां संकीर्तन प्रारंभ किया, वहां से प्रचार प्रारंभ किया। और जैसे यह क्षेत्र है पुरी, यहां पर साक्षात भगवान विराजते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु ने और अनेक वैष्णवों ने इस भूमि को धन्य किया है, यहां रह करके इसका भ्रमण करके इसे कण कण में भक्ति का वास है। पर यदि सारी बातें मिलाई जाए, सभी तीर्थों पर विचार किया जाए तो ब्रजमंडल सर्वश्रेष्ठ है। तो श्री नारद जी भक्ति के साथ गुण पर दृष्टि रख करके कि कहां पर भक्ति की जाएगी तो वह बहुत ज्यादा फल दे